और हिंदुस्तान के अंदर जब पर्सनल लॉ बोर्ड या कुछ और लोग मेंबर पार्लियामेंट तलवानियों के फेवर में आ गए। हैरान है, ये हिंदुस्तान है, ये क्या धर्मशाला है, को कुछ भी बोल देगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, कोई भी तलवानियों के फेवर में खड़ा होगा उसके लिए एक इलाज है, इनको प्लेन में बैठाओ और इनको छोड़ दो तलवानियों के पास, कोई केस रजिस्टर मत करो। तलवानी इतने बड़े आतंकवादी हैं, इतने ख़तरनाक आतंकवादी हैं, वहाँ बहनों को बच्चों को जो अफगानी लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर गोलियाँ चला रहे हैं। खालिस्तानियों, पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आपकी जवान? तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान करने वालों, कहाँ हैं आप? पाकिस्तान के अंदर महाराज रणजीत सिंह, वो महाराज रणजीत सिंह उसकी फौज का जर्नल था हरि सिंह नलुआ, काबुल कंधार तक तलिबानी अफगानी डरते थे। ये महाराज रणजीत सिंह का राज है, हमारा पंजाब का राज काबुल कंधार तक था, और उसकी फौज का जर्नल था हरि सिंह नलुआ। जब बच्चे सोते नहीं थे ना तो माएँ कहती थी बच्चा सो जा, नलुआ आ गया पंजाब की महाराज रणजीत सिंह की फौज का जर्नल। ये वो हिंदुस्तान। नमस्कार, प्रो नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। इस खास शो में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी देश की आन बान शान के लिए, जिन पर 14 बार आतंकी हमला भी हो चुका है, साथ ही साथ इनका आधा शरीर बॉम्ब से घायल है, ये किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। हम स्वागत करते हैं जिंदा शहीद MS बिट्टा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगे कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो शासन है वो शुरू हो चुका है और अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ में आगे आए हैं कि वहाँ के फंसे हिंदू सिख साथ ही साथ अफगानियों को भी अब वो वहाँ से निकालेंगे सुरक्षित। ये तो पहले भी ऐसा हुआ है, इराक में हो या कहीं भी हो, जहाँ भी कोई ऐसे हालात हुए हैं सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार उनको लेके आई है। हमारी हिंदुस्तान की सरकार इस वक्त इन मामलों में बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है भाई, कोई भी फंसा है जो आतंकवादियों से गिरा हुआ है, चाहे अफगानी है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई, उसकी मदद करना हिंदुस्तान का परंपरा और एक काम रहा है और उसके लिए काम जारी है। तलवानी इतने बड़े आतंकवादी हैं, इतने ख़तरनाक आतंकवादी हैं, वहाँ बहनों को बच्चों को जो अफगानी लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उन पर गोलियाँ चला रहे हैं, और हिंदुस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, पर्सनल लॉ के बोर्ड के लोग, कोई मेंबर पार्लियामेंट, कुछ और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, वो खुल करके हिंदुस्तान में तलवानियों की मदद कर रहे हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी को यही कहना चाहूँगा, जैसे प्लेन से उधर से इधर ला रहे हैं ऐसे एक प्लेन तैयार रखें जो हिंदुस्तान के अंदर रह करके तलवानियों को सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर केस रजिस्टर मत करें। केस रजिस्टर करने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर पॉलिटिक्स होगी, उसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगी। यूपी का चुनाव आने वाला है, इनके लिए प्लेन रखो और प्लेन लेकर के इनको तुरंत अफगानिस्तान में तलिबानियों के पास भेजो, तलिबानियों के दुश्मन है। ये सबसे बड़ा आज हिंदुस्तान के अंदर मुद्दा है। अरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से सजी हुई धरती, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई इस मातृभूमि की मिट्टी पे जन्म लेके इस मातृभूमि के खून से सजी हुई धरती का हम नमक खाते हैं और आज हम मानवता के दुश्मनों की हिंदुस्तान में रह के बात करेंगे? उसके ऊपर को बोलने वाला नहीं है, उसके ऊपर को बात करने वाला नहीं है। सबसे खतरनाक जो आज मुद्दा है, हिंदुस्तान में रह करके AK-47 रॉकेट लॉन्चर लेके जिस तरीके से मानवता का कत्लेआम कर रहे हैं, औरतों का अपमान कर रहे हैं, घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा, बच्चे छोड़ छोड़ जल्दी जल्दी लोग जा रहे हैं, बच्चों की कहाँ गई इनकी मानवता? हिंदुस्तान में ऐसे तलवानी होंगे मुझे नहीं पता था, अच्छा हुआ एक्सपोज हुए, अच्छा हुआ इनके चेहरे नकाब हो गए। अब इनको लगता है कि 370 धारा हट गई और हम अब कुछ भी हम कश्मीर की तरफ हिंदुस्तान की तरफ आ जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी मार मार के इनको ठीक कर देंगे। 70,000 हैं ये लोग तलवानी, 70,000 इनकी गिनती होगी। हमारी NCC, हमारी सिविल डिफेंस, हमारी ऐसी की छोटी छोटी फोर्सेस, हमारे नौजवान लाखों करोड़ों की तादाद में, फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज तो अलग है। चाइना हमारा दुश्मन, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, चाइना तलवानियों को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तलवानियों को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के आतंकवादी जो अफगानिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करते थे, अरे उनको हथियार समेत जेलों से छोड़ करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है,
पाकिस्तान का खुला नंगा नाच आ चुका है और हिंदुस्तान के अंदर जो पर्सनल लॉ बोर्ड या कुछ और लोग मेंबर पार्लियामेंट तलवानियों के फेवर में आ गए। हैरान है, ये हिंदुस्तान है, ये क्या धर्मशाला है, को कुछ भी बोल देगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो, कोई भी तलवानियों के फेवर में खड़ा होगा उसके लिए एक इलाज है, इनको प्लेन में बैठाओ और इनको छोड़ दो तलवानियों के पास, कोई केस रजिस्टर मत करो। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पे राज किया है या ये कहें कब्जा किया है, औरतों को वहाँ पे बेचा जा रहा है, लोग वहाँ अपने अपना घर छोड़ के, मतलब हर चीज़ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या लगता है वो सही है? मानवता का कत्लेआम हो रहा है भाई, आपको बता रहा हूँ, बच्चे बेघर हो रहे हैं, गोलियाँ चलाई जा रही हैं, इससे ज़्यादा मानवता का कत्ल क्या होगा? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा जो यहाँ हो रहा है। दुनिया इकट्ठी हो, यूनाइटेड नेशन मीटिंग कर रहा हूँ उसमें सारी दुनिया इकट्ठी हो, दुनिया इकट्ठी करके तलवानियों को खदेड़े, वहाँ से खदेड़ के भेजे, कहाँ भेजना, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अफगानियों के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो वहाँ पे, आगे अमेरिका खड़ा हुआ था, भाग गया, पूरी दुनिया एक हो, उनको नहीं पता कि ये जो तलवानी है ये हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया के अंदर खतरा है, पहले करोना अब तलवानी, और चाइना ने रख दी उनके कंधे पे बंदूक, पाकिस्तान ने रख दी उसके ऊपर बंदूक, 11 सितंबर की घटना, ओसामा बिन लदेन कहाँ मारा गया, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ट्रेनिंग हुई तलवानियों की और जाके 11 सितंबर की घटना वहाँ जाके अमेरिका में की, प्लेन क्रैश कर दिए, दहशत फैला रही पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अभी कोई देखना बाकी है क्या? दुनिया अगर नहीं खड़ी होगी कोरोना पे, दुनिया खड़ी नहीं हुई, अगर अब भी दुनिया खड़ी नहीं होगी, ये दुनिया के लिए खतरा है तलवानी, हिंदुस्तान की तो छोड़िए, हम तो लड़ेंगे अपनी लड़ाई, हमारा योद्धा नरेंद्र मोदी ये लड़ना जानता है, अगर चाइना के चक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान के, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, पर दुनिया के लिए खतरा सबको एक होना होगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर जो तलवानी है, तलवानी भाषा का इस्तेमाल करने वाले, भगाओ इनको फटाफट अफगानिस्तान, भेजो इनको तलवानियों के पास, अगर नहीं भेजेंगे केस रजिस्टर कर लेंगे, तो केस के ऊपर तो पॉलिटिक्स होगी, को पकड़ेगा को छोड़ देगा, को पकड़ेगा को छोड़ देगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स को। आगे जो वाराणसी के अंदर कई ब्लास्ट हुए, कोटों के अंदर, मंदिरों के अंदर कई ब्लास्ट हुए, अखिलेश यादव की सरकार आई सब छोड़ दिए, फिर कहेंगे ये तो नेताजी हैं बम ब्लास्ट करने वाले, केस को उसे रजिस्टर नहीं करना, इनको अफगानिस्तान भेजें। और देवगन में जो ATF का गठन हुआ है, ऐसे गठन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पर होने चाहिए, ज़रूरत है, आज तलवानी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, हमें तैयारी रखनी चाहिए, हमें हिंदुस्तान के हमारी पीठ पे ना कुछ छुरा मारे, कवि प्रदीप जी कहते थे ना आज़ादी के वक्त, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गिरदारों से, कोई तिरंगे झंडे का खालिस्तानी नाम लेके अपमान कर दे, कोई यहाँ आतंकवादी की मदद कर दे, तलवानियों की मदद कर दे, ये वो तलवानी है, खालिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, ये वो तलवानी है जिन्होंने गुरु महाराज का काबुल के अंदर गुरुद्वारा साहब वहाँ आके गोलियाँ चला करके, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, मौजूद गुरु ग्रंथ साहब, गुरु हमारे वहाँ पे मौजूद हैं, विराजमान हैं, और वहाँ पे माएँ बहनें के ऊपर गोलियाँ चला के खून की नदियाँ बहा दी, ये वो तलवानी है? खालिस्तानियों पूछना चाहता हूँ, कहाँ है आपकी जवान, तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान करने वालों कहाँ हैं आप? पाकिस्तान के अंदर महाराणा रणजीत सिंह उसकी फौज का जर्नल था हरि सिंह नलुआ, काबुल कंधार तक तलवानी अफगानी डरते थे, ये महाराणा रणजीत सिंह का राज है, हमारा पंजाब का राज काबुल कंधार तक था, और उसकी फौज का जर्नल था हरि सिंह नलुआ, जब बच्चे सोते नहीं थे ना तो माएँ कहती थी बच्चा सो जा, नलुआ आ गया, पंजाब की महाराणा रणजीत सिंह की फौज का जर्नल, ये वो हिंदुस्तान, और आज खालिस्तानी चुप बैठे, हमारे वो जर्नल का स्टैचू टुकड़े टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के अंदर, हमारे गुरुद्वारा साहब का अपमान कर दिया काबुल के अंदर, हमारी माएँ बहनें बच्चे, हमारे पिता समान, हमारे भाइयों का गुरु ग्रंथ साहब विराजमान गोलियों से बुछाड़ों से शहीद कर दिया, खून की नदियाँ गुरुद्वारा साहब में बैठ गई, अब खालिस्तानियों आप कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले हो, विदेशों के अंदर खालिस्तान बनाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी बनाएंगे, देख लिया गुरुद्वारा साहब का अपमान करने वालों का, देख लिया तलवानियों का,
अब आपकी जवान कहाँ है? महाराजा रणजीत सिंह की बात करी तो अफगानिस्तान में तो तालिबानों ने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तक तोड़ दी गई है। देखो मैं वही कहना चाहता हूँ, तिरंगे झंडे का अपमान किसने ने किया? इन खच्चर खालिस्तानियों ने किया। यहाँ बड़के मारते हैं, यहाँ ट्रैक्टर लेके पुलिस वालों पे ट्रैक्टर चढ़ाते हैं ये, और कहते हैं खालिस्तान जिंदाबाद, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब महाराजा रणजीत सिंह हमारा सिख कौम का जर्नैल, काबुल कंधार तक उससे कांपते थे ये तलवानी, ये अफगानी, और उसकी मूर्ति तोड़ दी गई, आप चुप हैं? फिर वहीं आता हूँ, काबुल के अंदर गुरुद्वारा साहब के अंदर जब कत्लेआम हुआ बहनों भाइयों का, पिता का, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान के सामने, आप कहाँ थे खालिस्तानियों? अब कहाँ हो आप? एक आप एक्सपोज हुए, चंद खालिस्तानी, एक ये तलवानी बादशाह का पर्सनल लॉ बोर्ड, चिट्टी दाढ़ी, उम्र होगी 70-75 साल, और एक समाजवादी के एमपी साहब, मुझे नाम पता नहीं, उनकी उम्र होगी 85-88 साल। ये हमारे समाज के आदर्श, ये नई दिशा देने वाले हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो कहते हैं मानवता का कत्लेआम कर दो, मतलब वहाँ तलवानियों को मुबारकबाद, अब हिंदुस्तान में तलवानी बना रहे, तुम्हारी ऐसी चिंता जी, फोर्स फौज बाद में जाएगी, हमने आतंकवादियों से लड़े हैं, एक चलाई है 100-100 चलाई है, सीने पे गोलियां खाई है, हम चलाना भी जानते हैं, आए कोई हमारे सामने, हमारी फोर्स से बाद में लड़ेगा, पहले हमारे सामने आए जो हमारे मातृभूमि की तरफ को आंख उठा के देखे, हमारे मानवता को कत्लेआम करके देखे, हम लड़ने के लिए तैयार बैठे, सरकारें तो लड़ती रहेंगी। आज हमें अफसोस है इस बात का, हम बार बार कहते हैं यह हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से सजा है, जलियांवाला बाग के अंदर किसी हिंदू सिख ने कुर्बानी नहीं दी थी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जनरल डायर की गोलियां सीने पे खाई थी, फांसी के रस्से पे कौन चढ़ा था, अकेला भगत सिंह नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और फिर इस्तफाकुल्ला खान ने भी कुर्बानी दी, अब्दुल हमीद जिसने पाकिस्तान के अपने शरीर पे बम बांध करके पाकिस्तान के 7 टैंक तबाह कर दिए, गाजीपुर यूपी का, वो मुसलमान सेकुलर मुसलमान जिसके ऊपर हमें नाज है, सिर झुकता है, हमें अब्दुल कलाम बनना है, हमें अब्दुल हमीद बनना है, हमें इस्तफाकुल्ला खां बनना है, हमें भगत सिंह बनना है, हमें मुल्क का गदार नहीं बनना है, हमने मातृभूमि के साथ धोखा नहीं करना है। फिर भी ऐसी की तैसी, इतनी बड़ी उम्र के लोग, हमें इनको बोलने पे भी हमें शर्म आती है, हमारे पिता समान है ये, और गंदी बादशाह का प्रयोग करेंगे मातृभूमि के लिए, मानवता को मारने वाले के फेवर में बोलेंगे, डट के इनका जवाब देंगे, जवान AK-47 की तरह आतंकवादियों के पंजाब में घुसती थी, इनके भी जाएगी, इनका इलाज करेंगे। देवबंद में ATS एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है, जिसपे अब बड़ी आलोचना हो रही है, सपा के एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को डराया जा रहा है। देखो जी बात सुनो, मैं कौन हूँ? मैं सरदार हूँ, मेरे सिर पे पगड़ी, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी शहादतें दी, ये खून से सजी हुई पड़ी, ऐसे नहीं पगड़ी उठा के बैठे, हमारे गुरुओं ने कुर्बानी दी, हमारे गुरु साहिबानों ने कुर्बानी किस लिए दी थी? मानवता के लिए, मानवता की रक्षा, चाहे उसमें हिंदू था, चाहे उसमें मुसलमान था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, चाहे आम व्यक्ति था, मानवता, हमारे गुरुओं ने इस मातृभूमि के लिए कुर्बानी दी। ठीक, हम कौन हैं? हम भारतीय हैं, बिट्टा को क्या कहते लोग? भारतीय। फिर मेरे सरदार की इज्जत होती है, जब मुझे भारतीय कहते हैं ना, तो कहते हैं सरदार भारतीय है, मेरा सिर फकर से ऊंचा हो जाता है। ठीक, हम अपने आप को भारतीय कहने को तैयार ही नहीं, हम लोगों को शक पैदा करते हैं ऐसी बातों का इस्तेमाल करके, किसको क्या तकलीफ है, मुसलमान भाई को क्या तकलीफ है? अगर पंजाब के अंदर ऐसी ATF खोल लेंगे तो कहेंगे, सिख कहेंगे हमें तंग किया जा रहा है, जो गलत करेगा हिंदू हो या मुसलमान हो सिख हो, कानून एक है, पर आप तलवानी भाषा का इस्तेमाल भी करोगे, मानवता का कत्लेआम करने वालों का इस्तेमाल भी करोगे, उनका उनके हक में बोलोगे, बच्चे तड़प रहे हैं उनके हक में नहीं बोलोगे, और आतंकवादियों के लिए बोलोगे, तलवानी जो गोलियां चला रहे हैं वहां एयरपोर्ट पे गोलियां चला ले, लोग बाहर उनको मार रहे हैं, वो उनकी फेवर में बोलोगे, तो फिर कोई हिंदुस्तान अपनी सरहदों को, अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश करोगे मुसलमानों के खिलाफ? हिंदुस्तानी बनो, भारतीय बनो, मैं भारतीय हूँ, मुझे हर
हिंदुस्तानी दुनिया में बैठा हुआ पहले कहेगा बिट्टा भारतीय है, मुझे फख्र होता है। हम शक क्यों पैदा करें, हम मुसलमान हिंदू सिख की बात करें क्यों, हम क्यों ना ये कहें मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, क्यों ना कहें इस मातृभूमि पे जन्म लिया है। गलत बिट्टा करेगा सजा मिलेगी, गलत हिंदू करेगा सजा मिलेगी। दिल्ली के अंदर अभी जंतर मंतर के अंदर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया, बीजेपी के लोगों ने, केस रजिस्टर हुआ। आगरा के या कानपुर के अंदर किसी ने पुलिस अधिकारी के, बीजेपी के अधिकारी ने थप्पड़ मारा किसी अधिकारी को, उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। खालिस्तानियों ने किया उनके ऊपर हुआ। अब हिंदू कहे मेरे से जाति हो रही है, सिख कहे तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले चंद खालिस्तानी मेरे से जाति हो रही है, और अब ATF बन रहा है तो कहते जी हमारे, अरे आपको किसी ने कुछ कहा है? अगर बन रही है तो साथ दो, कहो सलूट करो, हम आपके साथ खड़े हैं। इस देश के अंदर कोई अगर गलत करेगा, हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई खड़ा होगा। मज़ा तो फिर आता है ना, हम अपनी अपनी पॉलिटिक्स करते जा रहे हैं, हम वोट बैंक के चक्कर में कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं।